अनार ठाकुर, 5 साल कांग्रेस ने तो 2 साल से भाजपा सरकार कर रही है कर्मचारियों की उपेक्षा। हमीरपुर, रजनीश शर्मा, यदि शीघ्र प्रदेश सरकार JCC की बैठक नहीं बुलाती है तो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ 12 दिसंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करेंगे। यह बात हमीरपुर जिला के भीटा में बुधवार को आयोजित हिमाचल प्रदेश NGO महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष NR ठाकुर ने कही। आज अपना 54वां स्थापना दिवस जो है भीटा में मना रहा है और इसके लिए मैं बतौर अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूँ। आज महासंघ 54 साल का हो गया और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कि महासंघ जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो तरक्की कर रहा है और आगे जिस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई थी उस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहा है। दूसरा, आज यहाँ सभी जिलों के लगभग 400 कर्मचारी नेता जो हैं वो पूरे प्रदेश से इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने का मकसद ये ठीक है कि जहाँ स्थापना दिवस मनाना है उसकी खुशियाँ हमने जो है वो शेयर करनी है, वहीं कर्मचारी मुद्दों को लेकर चिंतन और मंथन करने की भी ज़रूरत है। पिछले 7 सालों से प्रदेश के कर्मचारियों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो अनअटेंडेड हैं। 5 साल कांग्रेस की सरकार एक भी मुद्दा कर्मचारियों का हल नहीं कर पाई। एक श्रृंखलाकार समिति की बैठक हुई, वो भी बेनतीजा साबित हुई और प्रदेश के कर्मचारियों ने दुखी होकर के कांग्रेस सरकार के खिलाफ मतदान किया। हमें उम्मीद थी कि जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश के कर्मचारी सत्ता में लाए हैं वो जल्दी ही कर्मचारियों के जख्मों में मरहम लगाने का काम करेगी, लेकिन 2 साल इस सरकार को भी आए हो गया और विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्लेटफॉर्मों से हमने कई प्रकार की रिक्वेस्ट, प्रार्थना पत्र, ज्ञापन सरकार को सौंपे। अराजपत्रित कर्मचारी संघ भोटा में बुधवार को अपना 54वां स्थापना दिवस मना रहे थे। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से करीब 400 से अधिक कर्मचारी नेताओं ने भाग लिया। इस मौके पर राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष विपिन कुमार डोगरा और BMS के प्रदेश महामंत्री मंगत राम नेगी ने अपने विचारों से कर्मचारियों में जोश भरा। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष NR ठाकुर ने कहा कि 5 साल कांग्रेस सरकार और 2 साल से भाजपा सरकार कर्मचारियों की उपेक्षा कर रही है। महासंघ द्वारा सौंपे गए 56 सूत्रीय मांग पत्र को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों को संघर्ष की राह पर चलने के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कर्मचारी नेताओं को सरकार 12 दिसंबर से पूर्व वार्ता के लिए नहीं बुलाती तो 12 दिसंबर को कर्मचारी धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकार को सहयोग देना चाहते हैं लेकिन सरकार कर्मचारी 56 सूत्रीय मांगों को लेकर चुप हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कर्मचारी नेता के साथ कर्मचारियों का बहुमत है, NGO के साथ उस महासंघ को मान्यता देकर तुरंत वार्ता के लिए बुलाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार को कर्मचारियों की उपेक्षा करना महंगा रहा, भाजपा सरकार भी उपेक्षा करती रहेगी तो कर्मचारी संघर्ष की राह अपनाएंगे। खड़े के साथ सरकार वार्ता करना चाहे, कोई किसी तरह का गिला नहीं, लेकिन कर्मचारियों के मुद्दों को इस आड़ में बड़ी देर तक ठंडे बस्ते में डाला नहीं जा सकता और अगर ऐसा सरकार करती है तो हम मजबूर होते हैं और 12 तारीख को धर्मशाला में जो वो हमने तय किया है कि हम विधानसभा को घेरेंगे।